हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन। आज हम करेंगे क्लास 5 एनसीईआरटी इंग्लिश का लेसन, रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी लेसन कवर कर चुके हैं, लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं। इस पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। वॉट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा क्यों लगा कि वो जो प्रिंट उसने देखा है वो एक फुटप्रिंट है? So let's see the answer. Robinson Crusoe thought that the print was a footprint because it had toes, heel and all parts of a human foot. उसको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उस प्रिंट में सभी चीज़ें थी, टो था, हील थी, जो भी एक ह्यूमन फुट में होता है वो सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट थी, इसलिए उसको लगा कि एक ये ह्यूमन फुटप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड वेन ही लुक्ड एट द बुशेज एंड ट्रीज? रॉबिन्सन को बुशेज, ट्रीज, पेड़ झाड़ियों से देख डर क्यों लग रहा था? वाई ही वॉज अफ्रेड? ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिसटूक एवरी बुश एंड एवरी ट्री टू बी अ मैन। उसको डर इसलिए लग रहा था क्योंकि वो हर एक पेड़, हर एक झाड़ी को इंसान, पर्सन समझ रहा था कि कोई उसके जैसे पीछे हो। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे वेन ही सॉ द फुटप्रिंट? फुटप्रिंट को देख के वो प्रे यानी प्रार्थना क्यों करने लगा? Robinson thought that it was the footprint of a savage. He was afraid that savage would kill and eat him. So he prayed for protection. Robinson को लगा ये जो footprint है वो एक savage यानी किसी आदिवासी, किसी person का है जो कि उसको मार देगा और खा लेगा, इसलिए वो उससे बहुत डर गया था और वो protection के लिए pray कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, choose the correct answer. इसमें हमें 3 ऑप्शंस गिवन है जिसमें से कि हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, टिक करना है। रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही एज ही कुड बिकॉज। रॉबिन्सन भाग के गया जितनी तेज़ वो भाग सकता था, ऐसा क्यों? ही वॉज रेसिंग, ही वॉज अफ्रेड और ही वॉज इन अ हरी टू गो होम। क्या वो रेस लगा रहा था, क्या वो डर गया था या फिर उसको घर जाने की जल्दी थी? द आंसर इज ऑप्शन बी, ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पार्ट 2, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो सो नहीं पाया क्योंकि देर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसकी केव यानी गुफा के बाहर कोई एनिमल था। ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, उसको लगा था कि कोई आदिवासी ट्राइबल लोग आ चुके हैं। हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, उसका जो बेड था वो अनकम्फर्टेबल था, तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, उसको लगा था कि कोई सेवेजेस जो है मेनलैंड से आ चुके हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 3, Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? वो श्योर क्यों था कि ये फुटप्रिंट उसका नहीं है? ऑप्शन ए, इट डिडन्ट लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट। ऑप्शन बी, इट लुक स्मॉलर देन हिज। ऑप्शन सी, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। क्या वो ह्यूमन फुटप्रिंट की तरह नहीं लग रहा था? ऑप्शन बी, क्या वो उससे छोटा था? या ऑप्शन सी, कि वो उस पार्ट ऑफ बीच में काफ़ी टाइम से नहीं आया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वो उस पार्ट ऑफ बीच में काफ़ी टाइम से नहीं आया था। वाई वॉज रॉबिन्सन, वे वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? ऑन अ बोट, इन अ टाउन, अलोन ऑन एन आइलैंड और ऑन एन एरोप्लेन। वो इन चारों में से कहाँ था? अलोन ऑन एन आइलैंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स राइट क्वेश्चन 1। द वर्ड्स इन द सेंटेंसेज आर जम्बल, राइट देम इन ऑर्डर, वन इज डन फॉर यू। ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड हैं, इधर उधर हो रखे हैं, हमें उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। एक ऑप्शन हमारे लिए ऑलरेडी किया हुआ है, अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन, इसका करेक्ट सीक्वेंस है रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन आइलैंड। ऑप्शन 2, पार्ट 2, वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड, इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, ये आप यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट 3, फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग, इसका क्या हो सकता है? दिस फुटप्रिंट, आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, बिलोंग्ड टू समवन, कि ये फुटप्रिंट किसी का है। नेक्स्ट, आई अराउंड मी लुक्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने आसपास देखा, आई लुक्ड अराउंड मी। आई वेंट द टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट, आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। हमें वर्ड्स को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। नेक्स्ट, वॉज अफ्रेड, आई नो, आई वॉज अफ्रेड नाउ,
आई वॉज अफ्रेड नाउ. सो इस तरीके से हम चारों सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. हमें बॉक्स में यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनका यूज़ करके हमें ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट है आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस. आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस. मैं फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, क्यूरियस मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा. मैं डरा हुआ तो था बट मैं क्यूरियस था. आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज. मैंने सोचा कि मैं बीच जाऊँ, मैंने डिसाइड किया सो इसीलिए मैं वाटर की एज किनारे किनारे चलता रहा. आई रैन एज आई फास्ट एज आई कुड डैश आई वॉज फ्राइटेंड. मैं इतनी तेज भाग रहा था, क्यों भाग रहा था? बिकॉज बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड. आई वॉज वेरी टायर्ड डैश कन्फ्यूज एंड मैं बहुत ही थका हुआ और कन्फ्यूज था. इस तरीके से हम इसको फिल कर लेंगे. नेक्स्ट, यूज़ द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड ज्वाइन द सेंटेंसेज इन कॉलम ए एंड बी. हमें कुछ ज्वाइनिंग वर्ड्स ये रखे हैं, दो कॉलम्स हैं ए एंड बी. हमें इन दोनों के सेंटेंसेज को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाने, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है. आई रोट द लेटर बट आई फॉरगेट टू पास पोस्ट इट. सो लेट्स रीड इट वन बाय वन. फर्स्ट इज आई कैन सिंग वेल. और हम इसको अब देखेंगे किसके साथ मैच कर सकते हैं. आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल. हमने इसके साथ इसको मैच कर लिया. नेक्स्ट, शी वोर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग. ऑप्शन सेकेंड, यहाँ से हमने इसको मैच कर लिया है. थर्ड, ही मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग. इसमें हमने और जो भी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं उनको हमने बीच में ऐड किया है. ही वॉन्टेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. ही मिस द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू द स्कूल. आई रोट द लेटर बट आई फॉरगेट टू पोस्ट इट. सो इस तरीके से हम ऐड ऑन करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज फन टाइम. लुक एट द प्रिंट शोन हेयर हिंट दिस इज द फुट प्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून. हिज नेम वॉज. यहाँ पे एक फुट प्रिंट है जो कि मून पे है. ये हमें बताना है ये फुट प्रिंट किसका है. आप सभी को भी पता होगा, आप सब ने सुना होगा कि फर्स्ट कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट, लेट्स क्रिएट अ पिरामिड. यूज द फॉलोइंग क्लूज. अ टू लेटर वर्ड बिगनिंग विद बी. हम इसमें लिख सकते हैं बी. अ थ्री लेटर वर्ड बिगनिंग विद सी. कुछ भी हो सकता है, हम कैट भी लिख सकते हैं, कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं. अ फोर लेटर वर्ड बिगनिंग विद डी. हम डोर भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, अ फाइव लेटर वर्ड बिगनिंग विद ई. इसमें हम लिख सकते हैं ईगल. इसके अलावा भी कोई वर्ड लिख सकते हैं. नेक्स्ट है सिक्स लेटर वर्ड बिगनिंग विद एफ. इसमें हम लिख सकते हैं फेशियल, फ्रूट्स, कुछ भी हम अपने अकॉर्डिंग जो सिक्स लेटर का हो फिल कर सकते हैं. यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है. आई होप आपको ये पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी. फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.